अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बच्चे हम एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्कस करेंगे, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिफरेंट मेरिट्स हैं, जो फायदे हैं उनको वन बाय वन इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन बच्चे जो पॉइंट है वो है लार्जर कैपिटल। तो हमने जब इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है वो कैपिटल ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो ज्यादा होते हैं। सोल ट्रेडरशिप में तो अकेला पर्सन होता है, वही कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और इन केस ऑफ बैंकिंग जो है वो 10 पार्टनर्स होते हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि मेंबर्स जो है वो हमने डिस्कस किया था, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कोई लिमिट नहीं है, और अगर हम प्राइवेट जो है वो कंपनी की बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 50 होते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कैपिटल होता है, और ज्यादा कैपिटल की वजह से जो है आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो यही है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। चूंकि यहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कैपिटल मेंबर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का कैपिटल जो है वो भी ज्यादा होता है। जितना ज्यादा कैपिटल होगा आप लोग अपने बिजनेस को उतना ही ज्यादा जो है वो एक्सपेंड कर सकेंगे, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों को फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पर चूंकि आप लोगों के पास पैसा जो है वो बहुत ज्यादा होता है कैपिटल के फॉर्म में, डिफरेंट जो है वो मेंबर्स जो है वो आप लोगों को डिफरेंट अमाउंट में कैपिटल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटे जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में जो है वो आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी ग्रोथ मिलती है। हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो सूरत में जो है वो पर्सन जिनकी इनकम जो है वो लो है, लेस इनकम है, लेस सेविंग है, वो भी जो है वो इजीली किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो खरीद कर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो है वो डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर आप लोगों की जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका जो है वो कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, तो उस कैपिटल को फिर आप लोग जो है वो रीजनेबल जो है वो डिनोमिनेशंस में जो है वो डिवाइड करते हैं शेयर्स के फॉर्म में। वो शेयर्स की प्राइसेस, उनकी वैल्यू आप लोग इस तरीके से सेट करते हैं कि वो लोग जिनकी जो है वो इनकम लो है वो भी इजीली जो है वो इन्वेस्ट कर सके उन कंपनीज में। तो वो लोग फिर जिनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस जो है वो भी एस्टेब्लिश कर सके या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, उनके पास पैसे कम है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की केस में वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर जो है वो खरीद सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पोर्शन एज अ डिविडेंड रिसीव होता रहेगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो बच्चे ये हम लोगों ने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी के यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि कंपनी को आप लोग क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिसकी वजह से इसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं इन केस ऑफ लॉस सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे लॉस में जितना उन्होंने जो है वो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे ज्यादा एक पैसा भी जो है वो केस में जो है वो लॉस में कंट्रीब्यूट करने के लायबल नहीं होंगे। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं समझी जाएगी बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट वो जो है वो पे करेंगे जितना उन्होंने कैपिटल में जो है वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है, या फिर जितना भी जो है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो था वो सेट किया था कंपनी जब एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे एक्सपर्ट सर्विसेज। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सो ट्रेडरशिप का बिजनेस जो है उसमें आप लोग एक्सपर्ट्स की सर्विसेज अवेल नहीं कर सके, क्योंकि आप लोगों के बिजनेस का जो कैपिटल है वो कम है, पैसा कम है, और एक्सपर्ट की सर्विसेज हासिल करने के लिए आप लोगों को जो है वो ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को आप लोग को पेमेंट करना पड़ती है। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप में डिस्कस किया था कि सम टाइम्स पार्टनरशिप में आप लोग जो है वो एक्सपर्ट्स की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास इतना कैपिटल है तो। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर हम कंपेयर करें सोल ट्रेडरशिप से या फिर जो है वो पार्टनरशिप के बिजनेस से, तो इसमें चूंकि कैपिटल दोनों के निस्बत ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप लोगों को जो है वो एक्सपर्ट की सर्विसेज हासिल करना पड़े तो आप लोग इजिली जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में एक्सपर्ट्स की सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपिटल अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। तो बच्चे जॉइंट स्टॉक कंपनी की वजह से जो आप लोगों की कंट्री की गवर्नमेंट है उसकी इनकम जो है वो भी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्सेस के फॉर्म में होती है, और गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर रही होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर। जैसा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोग जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करते हैं, जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी चीजें आप लोग सेल करते हैं बच्चे उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सेल टैक्स इम्पोज करती है। इसके अलावा डबल टैक्सेशन
क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कंपनी का जो है वो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, और उसके बाद हर पार्टनर को एज अ डिविडेंड की फॉर्म में जब आप लोग वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस जो है वो इनकम पर भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बचे जो है वो अगर आप लोग कोई चीज इम्पोर्ट करवा रहे हैं रॉ मटेरियल या फिर मशीनरी वगैरह, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह चार्ज करती है, एक्साइज ड्यूटीज चार्ज करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इनकम में जो है वो इजाफा होता रहता है। नेक्स्ट वन है जी लॉन्ग लाइफ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइफ जो है वो एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप जो है वो ज्यादा लॉन्ग होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था इसकी करेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप में हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अकेला जो सोल ट्रेडर है उसकी लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसके बिजनेस की लाइफ। तो अगर वो जो है वो सेहतमंद रहेगा उसकी लाइफ जो है वो रहेगी, अगर वो जिंदा रहेगा तो ही जो है वो उसके बिजनेस की लाइफ जो है वो लॉन्ग होगी, लेकिन अगर वो बीमार हो जाए उसकी डेथ हो जाए तो उसके बिजनेस की लाइफ जो है वो भी उसके साथ ही एंड हो जाएगी। और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें भी चूंकि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके दरमियान कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है, अगर उनके दरमियान कॉपरेशन है उनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है तो उसकी लाइफ जो है वो फिर जो है वो उसका ड्यूरेशन जरा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसमें किसी एक जो है वो शेयर होल्डर की डेथ की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो पहले की तरह ही परफॉर्म होती रहती हैं, किसी एक जो है वो शेयर होल्डर की डेथ की वजह से, किसी एक शेयर होल्डर के बिजनेस के शेयर जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की वजह से या फिर जो है वो किसी की जो है तबीयत खराब होने की वजह से इसकी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे लेस चांसेस ऑफ करप्शन। तो यहाँ पर जो है वो चांसेस ऑफ करप्शन जो है वो भी कम होते हैं, क्योंकि हमने बात की कि आप लोग जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है वो ऑडिट करवाते हैं, अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करवाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रॉड है, यहाँ पर जो करप्शन है, इसके चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट वो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि आप लोगों की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है जब आप लोग लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जब आप लोग बल्क में जो है वो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं उसकी वजह से जो है वो भी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली बेनिफिट आप लोगों के बिजनेस को ही होता है, आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों का जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें जो आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो पहले की निस्बत जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन पॉइंट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो है बच्चे पब्लिक कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में, क्योंकि आप लोगों की फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार के पास जो है वो आप लोगों की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी रजिस्ट्रार जो है वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आप लोगों से जो है वो हासिल करता रहता है। और इसके अलावा आप लोग अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का ऑडिट भी करवाते हैं और उनको जो है वो पब्लिश भी करवाते हैं, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक को जो है वो पता होता है आप लोगों के बिजनेस की जो है वो नेचर क्या है, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों के बिजनेस के ऊपर ज्यादा होता है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट वन पॉइंट है बेनिफिशियल एडवाइस। तो बच्चे समटाइम्स आप लोगों को बिजनेस में जरूरत होती है कि आप लोग किसी एक्सपर्ट का जो है वो ओपिनियन हासिल कर सकें या फिर एडवाइस वगैरह जो है वो ले सकें। तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में चूंकि जो है वो कैपिटल ज्यादा है, जिसकी वजह से आप लोग अगर जो है वो गवर्नमेंट से चाहें या फिर जो है वो किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन वगैरह अगर आप लोग हासिल करना चाहें तो वो ईजिली आप लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के जो है वो फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप भी हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, क्योंकि जितने भी बिजनेस के डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो मेजोरिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, मेजोरिटी की जो राय होगी जिस हक में जो है वो वोट प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस के डिसीजन जो है वो दिए जाएंगे। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स की जो है वो मीटिंग करवाते हैं और जो है वो वोट कास्ट किए जाते हैं, फिर मेजोरिटी जिस हक में राय देती है वो ही जो है वो डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन है बच्चे साउंड क्रेडिटेबिलिटी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्रेडिट
स्टेबिलिटी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप, जिसकी वजह से इसको जो है वो लोन अवेल करने में किसी किस्म की डिफिकल्टी वगैरह को फेस नहीं करना पड़ता। लोन के अमाउंट अगर जो है वो बैंक से हासिल करना चाहे या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है वो हासिल करना चाहे, तो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो इजिली इसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है और दूसरा इसके जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनका ऑडिट भी करवाया जाता है और उनको पब्लिश भी करवाया जाता है। तो जो है वो बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को जो है वो देखेंगी कि इसको जो है वो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और जो है वो इन फ्यूचर जो है इसको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं या फिर लॉस होने के चांसेस है उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वन है इजी टू सेपरेट। तो इसमें जो है बच्चे अगर कोई भी मेंबर जो है वो इस बिजनेस से सेपरेशन हासिल करना चाहता है, अपने जितने भी उसने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया है उसको जो है वो वापस हासिल करना चाहता है, विदड्रॉ करना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में से, तो वो इजिली ट्रांसफर कंपनी में से अपनी जो इन्वेस्ट है उसको विड्रॉ करवा सकता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे और अपने शेयर्स जो है वहां पर जाकर सेल कर देंगे। अपने शेयर जो है वो सेल करने की वजह से आप लोगों को जो है वो शेयर्स के बदले में पैसे मिल जाएंगे और वो लोग जिनको जो है वो शेयर्स खरीदना होंगे वो उन शेयर्स को जो है वो हासिल कर लेंगे। तो इसमें ये नहीं कि दूसरे पार्टनर से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे आप लोगों को जो है वो पार्टनरशिप के बिजनेस में करना पड़ता था कि उसमें अगर एक पार्टनर जो है बिजनेस को लीव करना चाहे छोड़ना चाहे तो बाकी सारे पार्टनर्स का जो है वो एग्री होना जरूरी है, अदरवाइज वो पार्टनर जो है वो बिजनेस को छोड़कर नहीं जा सकता। तो इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर कोई भी मेंबर जो है वो इस बिजनेस में मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अपना कैपिटल जो है वो विदड्रॉ करवाना चाहता है, तो वो इजीली ट्रांसफर कंपनी में किसी भी की भी परमिशन लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जाकर अपने शेयर जो है वो सेल कर देगा और इन रिटर्न जो है वो पैसे लेकर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है बेटर मैनेजमेंट। तो बच्चे यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और यहाँ पर जितने भी जो है वो मैनेजमेंट आप लोग इलेक्ट करते हैं वो सारे के सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो इलेक्ट कर रहे होते हैं, और वो मैनेजमेंट जो है जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करते हैं और उनकी एक्टिविटीज पर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाता है, वो डायरेक्टर्स रखते हैं कि मैनेजमेंट जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली और जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी सीट्स को फुलफिल किया जाता है, और जो है वो इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इनको जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, और ऐसे जो है वो कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, क्वालिफिकेशन भी हो और नॉलेज भी हो और उनको प्रॉब्लम्स जो है वो हैंडल करना भी आता हो, तो जिसकी वजह से आप लोगों की बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती रहती है। नेक्स्ट वन है जो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर बच्चे हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स जो है वो भी अंडरटेक कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म है, आप लोगों को जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो डिफिकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगी अगर आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर हासिल करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो हासिल करेंगे उनको फुलफिल करेंगे और जो है वो उनको अकम्प्लिश करेंगे उतना ही आप लोगों के बिजनेस को जो है वो ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन है वैरायटी इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट वेराइटीज आप लोगों को मिल रही होती है, क्योंकि कंपनी किसी एक किस्म के शेयर्स जो है वो इशू नहीं करती बल्कि वेराइटी ऑफ शेयर्स इशू करती है, जिसमें जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो भी इशू किए जाते हैं, प्रेफर्ड शेयर्स जो है वो भी इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे प्रेफर्ड शेयर की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके जरिए आप लोग बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं करना चाहता, बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर नहीं करना चाहता, तो इसके अलावा कंपनी जो है बच्चे डिबेंचर्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी प्रोवाइड करती है, डिबेंचर्स के जरिए भी आप लोग जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो है वो एक किस्म का लोन होता है जो आप लोग कंपनी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसके ऊपर कंपनी आप लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती बल्कि इसके ऊपर कंपनी आप लोगों को जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही होती है, और जो लोग जो है वो डिबेंचर्स खरीदते हैं वो कंपनी के फिर जो है वो ऑनर्स नहीं कहलाते और शेयर होल्डर्स नहीं कहलाते बल्कि वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चे हायर प्रॉफिट। तो यहाँ पर चूंकि बिजनेस जो है वो आप लोगों का लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहा होता है, आप लोग जो है वो बल्क में चीजें प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी हासिल हो रही होती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी आप लोगों के पास मौजूद होते हैं ट्रांसफॉर्म कंपनी में, तो जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डे बाय डे रिड्यूस होती है और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट वन है रिस्की बिजनेस। ट्रांसफॉर्म कंपनी
में बच्चे लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो लिमिटेड होती है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस के अंदर जितना भी रिस्क होता है वो रिस्क जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। मीन्स कि अगर आप लोग इसमें कोई रिस्की प्रोजेक्ट भी लेते हैं तो आप लोगों को ये नहीं होगा कि इन केस ऑफ जो है वो फेलियर किसी एक पर्सन को सारे का सारा लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा, बल्कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सब में आप लोग जो है वो लॉस को डिवाइड करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जो है वो भी सबको जो है वो इसमें जो है वो हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। तो अगर आप लोग जो है रिस्की प्रोडक्ट्स भी लेना चाहें यहाँ पर तो रिस्की प्रोडक्ट्स जो है वो भी आप लोग ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर, क्योंकि उसमें अगर लॉस के चांसेस ज्यादा हैं तो प्रॉफिट के चांसेस जो है वो भी ज्यादा, प्रॉफिट आप लोग गेन कर सकते हैं अगर आप सक्सेसफुल हो जाए उन प्रोडक्ट्स में। तो इसलिए जो है वो कंपनी रिस्की प्रोडक्ट्स जो है वो उनको जो है वो अवेल करती है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट के जो शेयर्स हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर बच्चे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो वर्क कर रहे होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। जैसे हमने बात की कि इसमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, आप लोगों का फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलहदा से होगा, एचआर का अलहदा से, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अलहदा से, फाइनेंस जो है इसी तरह आप लोगों के जो है मैनेजमेंट की टीम अलहदा से वर्क कर रही होगी, आप लोगों के जितने भी सुपरवाइजर हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, लेबर फोर्स है, डायरेक्टर्स हैं, आप लोगों के जो है इसके अलावा जितने भी गार्ड वगैरह हैं, तो बहुत से लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसकी वजह से मिल रही होती हैं। आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने मेरिट्स ऑफ जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस किया है। जितने भी पॉइंट्स आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं, इन पॉइंट्स में अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आए, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं।